बड़ा दुख होगा। अगर आप जेन्युइनली पेट लवर हैं तो आपको दुख होगा। एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट बादल भंडारी, एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में बहुत प्यारा सा गुगलू मुगलू सा अमेरिकन बुली है, और ये ग्रे कलर में है, एलिफेंट ग्रे कलर, बहुत प्यारा बच्चा है। ही इज़ नॉट हैविंग ब्लू आइज बट ही इज़ हैविंग मार्बल आइज। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर। इसकी मसल्स देखिए बहुत अच्छे हैं, स्टैंडर्ड साइज में ये बेबी है। थाइज बहुत हैवी हैं, माथे पर रिंकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा बच्चा होने के अलावा एक बहुत अच्छे मालिक का बच्चा है। मींस जो इसके ऑनर हैं वो इसकी केयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद अपनी ब्रीडिंग के अलावा एक बहुत अच्छा बच्चा देखा है। ऑफ कोर्स मैं कभी भी जो मेरा बच्चा नहीं होगा उसको नहीं बोलूँगा कि मेरी ब्रीडिंग का है। सो ही इज़ नॉट ऑफ माई ब्रीडिंग, बट ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर है, रिंकल्स बहुत अच्छे हैं, जॉ बहुत अच्छा है, नोज़ बहुत अच्छा है। अक्सर आप लोग पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर अमेरिकन बुली डिफरेंट स्टैंडर्ड पर डालिए। पहले मैं माइक्रो पर डाल चुका हूँ, एक और माइक्रो साइज पे डाला था स्कूबर्स चैनल के लिए, लेकिन ये जो आज मैं डाल रहा हूँ ये एक इंडिविजुअली बेबी है, मेरे पास में आए हैं चेक करवाने के लिए इसकी ग्रोथ, इसकी फिटनेस, डाइट शेड्यूल वगैरह, या जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे इसके लिए हम क्या दे रहे हैं और क्या और बेहतर दे सकते हैं। बट ही इज़ अ ब्यूटिफुल किड। जो अमेरिकन बुलीज हैं इनके लिए ज़्यादातर बहुत बड़ी र्यूमर्स आते हैं, इनको बैन हो जाना चाहिए, इनके ये घर वालों को पड़ जाते हैं, अटैक करते हैं, बच्चों को अटैक कर देते हैं। कोई भी ब्रीड अच्छी या कोई भी ब्रीड बुरी नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स हम उसे कैसे रखते हैं, हम उसे कैसे केयर करते हैं। ये जो बच्चा है मेरे पास में, इसको अगर ये अच्छे से इसका टेम्परमेंट ग्रूम करेंगे, इसका बिहेवियर अच्छे से बिल्टअप करेंगे, तो ये अग्रेसिव नहीं होगा, ये घर वालों को अटैक नहीं करेगा। इसको सोशलाइज करवाना बचपन से, इसको बचपन से इसकी हैबिट बनाना कि कोई तुझे खाना खाते हुए टच कर सकता है, कोई तुझे प्यार कर सकता है, तुझे वॉक करनी है, दूसरे डॉग्स के और अटैक की कमांड ना देना, ये सब चीज़ें ग्रूमिंग का एक पार्ट है। एक्सरसाइज करवाना, ओवर एक्सरसाइज नहीं करवाना इसको, क्योंकि डाइट अच्छी चाहिए, मसल्स डेवलप होंगे, मसल कैसे डेवलप होंगे, प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन जो हम डाइट देंगे बहुत मैटर करेगी। ओवर एक्सरसाइज करवाने से मसल डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओवर ईटिंग नहीं करवानी, हमें डॉग को बहुत अच्छा बनाना है, हमें उसे बहुत अच्छा बनाना है, केयर करनी है, ग्रूम करना है। आप इन्हें अगर आप फ्लैट में भी रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ है, माइक्रो साइज़ है या पॉकेट साइज़ है, इन सबको आप फ्लैट्स में भी रख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी ब्रीड होती है, अलग अलग कलर आते हैं, बहुत सारे कलर आते हैं, इन्जॉय करोगे आप इनकी कंपनी। लुक बड़ी डेडली होती है, बड़ा मज़ा आता है देख के, जैसा मर्जी बना लो। जो डाइट है वो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड लेना बच्चे का। अगर हमने बच्चा अच्छा ले लिया, बहुत अच्छा बच्चा ले लिया, उसकी हमने केयर नहीं की, हम उसको अच्छे से ग्रूम नहीं करेंगे, तो ही कैन नॉट बी, ही और शी कैन नॉट बी अ गुड डॉग। उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, उनके जॉइंट्स डेवलप नहीं होंगे, उनके मसल्स डेवलप नहीं होंगे, जो हेड डेवलप होना वो नहीं होगा। ये मेरे बड़े अजीज़ हैं जिनके पास में ये डॉग है। इस डॉग के साथ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे, अभी से 3-4 महीने बाद दोबारा शेयर करूंगा। इसका नाम याद रखना, इसका नाम K2 है भाई साहब का, राइट। तो ये वो हमारी एक एवरेस्ट है शायद K2, उसी पे रखा हुआ ना, है ना, ये उसी पे रखा हुआ। जब पहले आए थे तो मुझे लगा था, मैं कहा यार केतु तो नहीं रखा हुआ कि पंगे में फंस जाओगे, तो बोलते नहीं नहीं K2 है भैया। सो ही इज़ अ ब्यूटिफुल डॉग। पेट ओन करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसे कैसे रखते हैं, हम उसे कैसे केयर करते हैं, हम उसे कैसे ग्रूम करते हैं। उसके अलावा जब हम बच्चा लें जल्दबाजी में ना लें। आज एक और वीडियो शूट करूंगा मैं जल्दबाजी में, एक और रिजल्ट आया मेरे पास में, आप देखेंगे बड़ा दुख होगा। अगर आप जेन्युइनली पेट लवर हैं तो आपको दुख होगा, और जिन लोगों ने सेम गलती की है उन लोगों को ये समझ में आएगी कि ये गलती कर ली। और अगर आप लोग डॉग लेना चाहते हैं, आप लोग डॉग लेना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको बादल भंडारी से लेना, नो, आप कहीं से भी लीजिए, वर्ल्ड ओवर, पैन वर्ल्ड, कहीं से भी लीजिए, लेकिन क्या आप देख के लेना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ में। ये जो बच्चा है, इस बच्चे के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी मम्मा कैसी है, इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पापा कैसे हैं, वो बहुत सुंदर होंगे क्योंकि ये बच्चा बहुत अच्छा है। पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, बच्चा अच्छा नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। पेरेंट्स बेकार है
या सुंदर है या जैसे भी हैं, हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। बैठो बैठो केटू बैठो, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप इसकी चेस्ट देखिए, इसके पॉज देखिए कितने अच्छे हैं, नेक देखिए कितनी अच्छी है, ये देखिए चेस्ट, ये मसल्स आ रहे हैं, ये अभी से डेवलप हो रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा इसको देख के, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। आप लोग भी डॉग लीजिए, अपने लिए लीजिए, अपने घर वालों के लिए लीजिए, लेकिन सबसे पहले ये देख के लीजिए कि क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं, आपके पास टाइम है। अगर है तो ऑफकोर्स यू कैन ऑप्ट एनी ब्रीड। इस बच्चे को अपने बच्चों के साथ रखना हो, अमेरिकन बुली को, देर इज़ नो इशू, देर इज़ नो हार्म। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपेनियन होते हैं अमेरिकन बुलीज, बहुत लविंग, अंदर उसके सोल है। ये जर्मन शेफर्ड है तो भी अंदर सोल है, लैब्राडोर है, पग है, या सेंट बर्नार्ड है, डोगो अर्जेंटिनो है, मैटर जो बॉडी है, हम उस बॉडी के हिसाब से देखते हैं, जो अंदर इंटेंट, जो उसके अंदर सोल है ना, उसको हम जैसा मर्जी बना सकते हैं, जैसा मर्जी ग्रूम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक बड़ा सुंदर सा बच्चा आया था, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल की बटन ऑन रखिए, क्योंकि अब मैं रूटीन में वीडियोज़ डाल रहा हूँ और हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डाल रहा हूँ। कोई भी चैनल पे जो वीडियो आए उसे मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। साईं दया करें आप पे, हम पे, हमारे पेट्स पे। ब्लेसिंग्स, थैंक यू।